नागौर जिले के कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के खारिया गांव से है, जहां मतदान के बाद दो पक्ष आमने सामने होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र के बाहर दो पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें सरपंच देवीलाल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ने की जानकारी सामने आई है। और वर्तमान स्थिति में गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन इस पथराव की घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि घटना के वक्त पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और जो पुलिसकर्मी घटना स्थल पर मौजूद थे वो केवल मूक दर्शक बने रहे और उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुचामन जीओ और कुचामन थाना अधिकारी दोनों मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। डीडवाना एडिशनल एसपी संजय गुप्ता और एसपी श्वेता धनखड़ खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे गाँव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।